गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका अपना स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का सेशन 8 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 66 आज देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, आ गया सामने, स्क्रीन के सामने। एक बेईमान दुकानदार सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है। जितना वस्तुएं हैं सभी को क्रय मूल्य पर बेचता है। सभी किस पर बेचता है? क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत वाद का प्रयोग करके वह 17/11% लाभ कमाता है। वह गलत बटखारा का प्रयोग करके बाबुलो 17.11% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है? समझिएगा, जो इतना ग्राम का लाभ कमाता है बाबुलो, वह 1 किलोग्राम जब स्थान प्रयोग करेगा तो वह कितना लाभ कमाएगा? सर जी, यही क्वेश्चन है। चलेंगे देखेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू इसको बना लेते हैं जी। 17/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया सर जी? तो 17 × 17 करेंगे तो 289 में 11 जोड़ देंगे तो 300/17 और परसेंट के लिए बटा डबल जीरो नीचे शिफ्ट हो जाएगा सर जी। इसका मतलब देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन हम बताए हैं। ऊपर जो होता है बची हुई वस्तु बाबूलो, और नीचे जो होता है बेची हुई वस्तु। नीचे क्या होता है? बेची हुई वस्तु जी। तैयारी सर जी, हम इतना लाभ कब कमा रहे हैं? जब 17 बेचा है, बचा कितना जी? 3 है, यानी 20 के स्थान पे 17 × 3 = 20 के स्थान पे 20 का स्थान पे 17 का प्रयोग कर रहे हैं तब सर जी। इतना जो लाभ कमाए हैं कब कमाए? जब 20 का स्थान पे 17 का प्रयोग कर रहे हैं तब सर जी। तो 1 किलोग्राम स्थान पूछा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना प्रयोग करेगा? 20 का स्थान पे 17 का प्रयोग कर रहा है तब कितना का लाभ पा रहा है? जब 1000 ग्राम का प्रयोग करेगा तो कितना पाएगा सर जी? तो 17 × 20 = 1000 सर जी। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 50 पार कट जाएगा सर जी, 50 × 100 तो 17×25 = 85, 1 जीरो शिफ्ट हो जाएगा, 850 ग्राम सर जी। चलिए यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग खुद से बना लेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक जो बेईमान दुकानदार है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 25% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितना भार का प्रयोग करेगा? 1 किलोग्राम के लिए वह कितना भार का प्रयोग करेगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिएगा 25% लाभ कमाता है। सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 25% का मतलब सर जी 1/4, यानी 25% कब लाभ कमा रहा होगा इस सर जी? 4 बचा हुई वस्तु है, 4 बेची हुई वस्तु है, 1 जो है बची हुई वस्तु है, यानी 5 हम समझाने के लिए ग्राम का यूज कर रहे हैं। 5 ग्राम के स्थान पे 4 ग्राम का प्रयोग करेगा तब जाके 25% का लाभ कमाएगा। तो सर जी 1 किलोग्राम के लिए पूछा है, 1 किलोग्राम
जब प्रयोग करेगा यानी एक किलोग्राम का स्थान पर वह कितना प्रयोग करेगा कितना लाभ कमाएगा, यानी 1000 ग्राम के जगह पे कितना सर जी, तो 4/5 × 1000 सर जी, यानी कितना बार में 225 1000 और 214 कितना जी 800 ग्राम सर जी, यानी 800 ग्राम का प्रयोग करेगा सर जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, 68 नंबर कंप्लीट हुआ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। चलिए 69 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 69 नंबर क्या कहता है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे। अच्छा एक बार देख लेते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपए में 10 की दर से खरीदा है। एक जो फल विक्रेता है कुछ संतरे 25 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 25 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, 25 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है सर जी, ध्यान देंगे सर जी। खरीदा है कितना सर जी, खरीदा है बाबूलो 25 रुपया में 10 की दर से। एक वस्तु का सीपी हो गया सर जी 25 × 10 के, तो एक वस्तु का क्या हो गया सीपी क्रैम्बो सर जी। एसपी क्या है सर जी, 25 रुपया में 9 की दर से सर जी 25 रुपया में 9 की दर से बेच देता है, जितना वस्तु खरीदा है उतना ही वस्तु को 25 रुपये 9 की दर से बेच देता है सर जी। अरे सर जी एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ, ऊपर अमाउंट नीचे क्वांटिटी से भाग देते हैं तो एक वस्तु का दाम निकलता है, एक वस्तु का दाम निकलता है सर जी। अनुपात बना लेंगे सर जी ताकि एक पड़ता है तो 25 में 10 है 25 में 9 है, तो सर जी तो कट गया 25 से 25 से कम सर जी, एक बार में 25 से कम 25 फ्रैक्शन में सर जी सामने सामने पड़ता है, तो 9 एकम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 एकम 9 10 एकम 10, 9 में खरीद के 10 में बेच रहे सर जी, 9 में खरीद के 10 में बेच रहे हैं, एक का लाभ होगा किस पे सर जी 9 पे, 1/9 का प्रतिशत में मान होता है सर जी 1100/9%, यानी ऑप्शन नंबर बी सर जी, ऑप्शन नंबर बी सर जी। 69 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती है, 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती है, और उतना ही नींबू 3 रुपए में 4 की दर से खरीदी जाती है, जितना खरीदा यहां पे 2 रुपए में 5 की दर से उतना ही नींबू 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे जाते और नींबू, और खरीदे गए नींबू को 2 भाव से बेचा जाता है, जितना खरीदा है उस नींबू को बाबू 2 भाव से बेचता है, जितना नींबू वह 2 रुपए में 3 के भाव से बेचता है उतना ही नींबू 3 रुपए में 2 के भाव से बेचता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कुछ नहीं है, उसी टाइप से क्वेश्चन है सर जी। पहला 2 रुपए में सर जी 5 है, एक वस्तु का दाम हो गया सर जी इतना खरीदा, और दूसरा वस्तु इतना ही जितना यहाँ पे खरीदा है उतना ही वस्तु 3 रुपए में 4 की दर से खरीदा है सर जी, 3 रुपए में 4 की दर से खरीदा, मान लेते हैं 1 मिनट खरीदा था तो यहाँ पे कितना मिनट खरीदा है 1 मिनट, 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो छोड़ देते हैं चलेंगे। और जितना नींबू 2 रुपए में 5 की सॉरी 2 रुपए में कितना वो 3 के भाव से बेचता है उतना ही नींबू 3 रुपए में 2 के भाव से बेचता है, जितना यहाँ पे खरीदा था उतना ही बेच रहा है बाबू, मान लीजिए 1 मिनट यहाँ भी बेचता है तो 1 मिनट यहाँ भी बेचता है, तो सर जी 1 से गुना करिए या ना करिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सर जी इस सीपी का है बाबू लोग ईएसपी का है सर जी, रेशियो बना लेते हैं तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5/4 का एलसीएम कितना सर जी 20, 5/4 का एलसीएम कितना सर जी 20, तो 5 × 20 तो 4 × 8 4×5 20 तो 5 किया 15 सर जी, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो
तीन दो कैल्सियम कितना सर जी छह होगा, तो तीन दुना छह तो दुगुना चार, द्वितीय छह तो तीन तिया नौ, द्वितीय छह तो तीन तिया नौ, ठीक गुड। पंद्रह आठ कितना बोलो तो तेईस, पंद्रह आठ तेईस बटा बीस अनुपात नौ चार तेरह, तेरह बटा छ काटिए, पटेगा दो से दूध दिया छ, दो से काटेंगे दूध दहा बीस, यानी सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो तेईस दिया उनहत्तर, तेरह दहा एक सौ तीस, तेरह दहा कितना बोलो एक सौ तीस, ठीक है। तीन दो कैल्सियम छ, तीन दो छह दो दो चार, दो तीन छ, तीन तीन आठ, गुड। कितना हो गया जी, अनुहत्तर में खरीद के सर जी एक सौ तीस में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हुआ, तो दस में से नौ गया एक, या बारह में से छ गया छ, इकसठ का लाभ हुआ सर जी किस पे उनहत्तर पे, गुना सौ करेंगे तो करीबन कितना लाभ जाएगा जी, आप लोग भाग दे देंगे सर जी, भाग दे देंगे, भाग तो सबको आता है, यानी इतना प्रतिशत का सर जी हमको लाभ होगा सर जी, इतना प्रतिशत का लाभ होगा, आप लोग भाग दे लेंगे सर जी, इकसठ सौ में इकसठ गुना सौ करेंगे तो इकसठ सौ हो जाएगा, अब बत्ता उनहत्तर है, यानी इकसठ सौ में उनहत्तर से भाग देंगे तो करीबन देख लेंगे ऑप्शन कोई आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आना चाहिए, अच्छा देख लीजिएगा ऑप्शन किसी एक में मिल जाएगा कर लेंगे, इतना तो आता सबको है, इस वजह से सर जी भाग तो सबको आता है, इस वजह से हम यहाँ पे इतना ही छोड़ते हैं सर जी, आगे कर लेंगे, आगे आप लोग कर लेंगे। ऑप्शन मिला देंगे, ऑप्शन मिल जाएगा, सत्तर नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकसठ नंबर क्या क्वेश्चंस कहता है, एक रुपया में पांच की दर से, इकसठ नंबर इकहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रुपया में पांच की दर से जितना नींबू खरीदा गया उसके दुगना नींबू दो रुपये में पांच की दर से खरीदा गया, उसके दुगना नींबू दो रुपये में पांच की दर से खरीदा गया और पूरे नींबू को एक रुपए में तीन की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है, कोई फर्क नहीं है, देखेंगे लोग क्वेश्चंस क्या है, एक रुपए में पांच की दर से, एक रुपए में पांच की दर से नींबू खरीदा गया उसके दुगना नींबू, मान लेते हैं सर जी यहाँ पे वन यूनिट नींबू खरीदा गया, उसके यहां से जो खरीदा गया उसका दुगना नींबू दो रुपए में पांच की दर से खरीदा गया सर जी, यहाँ मान लेते एक यूनिट नींबू खरीदा गया है, यहाँ कितना सर जी दो यूनिट, क्योंकि यहाँ का दुगना नींबू खरीदा है और टोटल सीपी कितना हो जाएगा सर जी, तो जोड़ देंगे तो सीपी का है सर जी, और फिर देखेंगे और पूरे नींबू को एक रुपए में तीन की दर से बेचा गया, पूरे नींबू को तो सर जी एक यूनिट नींबू यहाँ खरीदते हैं, दो यूनिट नींबू यहाँ खरीदते हैं तो पूरा कितना यूनिट हुआ तीन यूनिट सर जी, तीन यूनिट नींबू खरीदे हैं सर जी, एसपी का हो गया सर जी, देखेंगे एक बटा पांच प्लस दूधना चार बटा पांच अनुपात तीन से तीन काट देंगे तो एक हो गया सर जी, एक बटा पांच कहे तो 20%, चार बटा पांच कहे तो 80%, 80% का 20% 100%, 100% का फ्रैक्शन अनुपात कितना सर जी हुआ वन, अनुपात कितना जी वन, यानी वन में खरीद के वन में बेच रहे हैं तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगा सर जी, हम एक में खरीदे हैं अब एक में बेच रहे हैं तो जिस मूल्य पे लाए उसी मूल्य पे दे दिए तो सर जी उस पूरे बिजनेस में हमको न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, न तो हमको लाभ होगा न तो हमको हानि होगा सर जी, अब जोड़ लेंगे पांच पांच के अंश पांच होता है तो सर जी पांच एक पांच कर लेंगे सर जी, कंप्लीट हुआ इकहत्तर नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कंप्लीट हुआ, बहत्तर क्वेश्चन देखेंगे जी, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए, आप लोग दिमाग लगाइए तो बनता है तो बनाइए, बहत्तर नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, एक दुकानदार जो है
के दो बेटे थे, एक दुकानदार के दो बेटे थे राह और श्याम। उस दुकानदार को जो दो बेटे थे उनका जो नाम था, पहला का नाम राम था और दूसरा का नाम श्याम था। राम ने 3 रुपया में 4 की दर से नींबू खरीद कर, राम जो है 3 रुपया में 4 की दर से नींबू खरीद कर लाया। श्याम ने 2 रुपया में 5 की दर से, 2 रुपया में 5 की दर से नींबू खरीद कर लाया। राम एवं श्याम द्वारा लाए गए नींबू की संख्या का अनुपात जो है 2:3 है। सर कितना है? राम और श्याम जो खरीद कर नींबू लाया है उस खरीदे गए नींबू का जो अनुपात है 2:3 है, 2:3 है। और समूचे नींबू को दुकानदार 3 रुपया में 2 की दर से बेच देता है और जितना खरीद के नींबू लाया है उस दुकानदार जो है 3 रुपया में 2 की दर से बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। सर जी देखेंगे, राम और श्याम है, राम जो है 3 रुपया में 4 की दर से नींबू खरीदा है और श्याम जो है, श्याम एस फॉर श्याम है, श्याम जो है 2 रुपया में 5 की दर से नींबू खरीद कर लाया है। राम और श्याम द्वारा लाए गए नींबूओं की संख्या का जो अनुपात है 2:3 है। राम जो है मान लेते 2 यूनिट खरीद के लाया है तो वही श्याम जो है 3 यूनिट खरीद के लाया है। सर जी तो टोटल कितना हुआ? सर जी तो टोटल के लिए क्या चाहिए? जोड़ देंगे सर जी। क्या का है? सीपी है सर जी। क्या है? सीपी है। अब फिर देखेंगे उनके द्वारा लाए गए नींबूओं को, उनके द्वारा लाए गए समूचे नींबूओं को 3 रुपया में 2 की दर से बेच देता है, 3 रुपया में 2 की दर से बेच देता है। जो लाया है उस समूचे नींबू को 3 रुपया में 2 की दर से बेचता है। तो सर जी कितना टोटल नींबू लाया? तो 2 यूनिट यहाँ लाया, 3 यूनिट यहाँ लाया, तो टोटल कितना यूनिट? 5 यूनिट लाया था सर जी। तो इस 5 यूनिट को सर जी इतना में बेच रहा है सर जी। रेशियो निकाल लेंगे सर जी, तो 2 से काटिए तो 2 बार में कट गया, 3/2 प्लस 6/5 अनुपात 5 × 3 = 15/2, 5 × 3 = 2 यानी सर जी एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 तो 5 × 3 = 15, 5 × 10 तो 6 × 12 = 15/2। फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे लोग तो सर जी 15/12 कितना हो गया? 27/10 ही काट देते हैं, 2 × 5 = 10। देखिए और 27/ कितना लोग? 5 × 15/1 यहाँ बच गया, पूछा नहीं कुछ, इसलिए 27 × 27 15 × 5 = 75 तो देखिए लोग कितना आ गया, कितना लाभ हुआ सर जी। तो 15 यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे 5 तो 15 × 7 गया 8, यहाँ 6 × 6 = 2 गया 4, 48 का लाभ हुआ सर जी। इस पे 27 पे गुना 100 तो 16 × 48 9 × 27 तो देखिए और कटेगा नहीं कटेगा सर जी। तो 1600/9 यानी 1600/ कितना मान लो 9। फिर तो देखिए तो कौन सा आ रहा है, 9 × 9 = 9 रिमाइंडर कितना जी? रिमाइंडर 7 यानी 9 × 7 = 63 रिमाइंडर कितना गया 7 का फिर 0 तो 9 × 7 = 63 यानी ए नंबर, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सर जी। देख लेंगे इतना परसेंटेज बनेगा सर जी, यानी ऑप्शन नंबर 177.78% सर जी, यानी ऑप्शन नंबर डी सर जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब भाग दे लेंगे 1600/9 से भागा दीजिएगा तो उतना ही जाएगा, इतना तो सबको आता है, इतना सबको आता है, इस वजह से छोड़ रहे सर जी, भागा तो सबको आ रहा है। अब इसको देख लिए यहां तो भाग दिए दीजिए, ऑप्शन नंबर ये गया डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 का आंकड़ा 73 होता है। हाँ, एक व्यापारी के दो बेटे, एक व्यापारी के जो है वो दो बेटे ए तथा बी हैं। व्यापारी 2 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदकर अपने बेटे को बेचने के लिए 3:4 में दिया। समझिएगा, एक बार पूरा क्वेश्चन दोहराते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हो, एक व्यापारी के दो बेटे ए तथा बी है। व्यापारी 2 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदकर अपने बेटे को बेचने के लिए 3:4 में दिया। ए 1 रुपए में 1 की दर से तथा बी 1 रुपए में 2 की दर से नींबू बेचा। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि बतावे। चलिए ठीक है, गुड। एक व्यापारी जो है 2 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदा है। सर जी, 2 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदकर अपने बेटे को बेचने के लिए 3:4 में दिया है। इस सीपी है मेरा सर जी। फिर एसपी देखिएगा, पहला जो बेटा है उसका ए जो है 1 रुपए में 1 की दर से तथा दूसरा बेटा बी जो है 1 रुपए में 2 की दर से नींबू बेचा, लेकिन बेचने के लिए सर जी 3:4 में दिया है। पहला नींबू को 3 रिस्पेक्ट में बेचने के लिए कहा है और दूसरा को कितना सर जी, 4 रिस्पेक्ट में। सर जी 3 और 4 टोटल नींबू कितना बेचा सर जी, 4 3 7, सर जी 7 खरीदा भी होगा। रेशियो बना लेंगे सर जी, यानी 7 × 2 = 14/5 अनुपात कितना जी, 2। काट देते हैं यहाँ पे सर जी, आप लोग जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो 3 × 2 कितना होगा, आप लोग 5 ही डायरेक्ट कर देते हैं, यानी 50 50 25 14 × 1=14। तो सर 14 में खरीद के 25 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना गया, तो 5 में से 4 गया 1, 11 का लाभ सर जी। तो 11 का लाभ हुआ सर जी किस पे, 14 पे, गुना 100 कर लेंगे तो देखिए लोग कितना हो जाएगा, यानी 50 7, यानी कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 8 × 6 = 7, यानी देखिए तो 7 × 7 = 49 रिमाइंडर कितना जी, 6 0 = 7 देखिए कुछ क्वेश्चन में जाने नहीं है। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। टू कॉपी पेस्ट है, समझें, टू कॉपी है लोग, उसी टाइप का है, आप लोग भी बना के देखे। एच डब्ल्यू है आपका, एच डब्ल्यू आता 74 जो है क्वेश्चन, एच डब्ल्यू है, एक बार बना के देखेंगे तो फिर 74 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे बता देंगे। इसी प्रकार का है, एक बार आपको भी दिमाग लगाना जरूरी है, इस वजह से हम दे रहे हैं सर जी एच डब्ल्यू ग्रुप में। आप जरूर जो एच डब्ल्यू जो घर में रहते हैं एच डब्ल्यू बाहू, जो रेंट पे रहते हैं सी डब्ल्यू, यानी रेंट वर्क आर डब्ल्यू कर देते हैं। टू कॉपी पेस्ट है, बना लेंगे लोग तो फिर हम अगर 74 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, समझिएगा। एक आदमी जो है 75 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा और उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा, उसने सबको 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। उसने सबको 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया तो पूरे व्यापार में उसे 30 रुपए का घाटा झेलना पड़ा। उसे पूरे व्यापार में कितना जी, 30 रुपए का घाटा झेलना पड़ा, यानी हानि होता है सर जी। तो ज्ञात करें कि वह कितना वस्तुएं खरीदा था। माना सर जी, देखिएगा लोग, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा है, और फिर सर जी उतना ही वस्तु जितना यहाँ पे खरीदा, मान लेते 1 मिनट यहाँ खरीदा है, तो उतना ही वस्तु सर जी
उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से यहाँ पे खरीदा है, कोई देखा 1 मिनट यहाँ खरीदा तो 1 मिनट यहाँ खरीदा, तो टोटल यूनिट कितना खरीदा सर जी, 2 यूनिट खरीदा, टोटल कितना खरीदा सर जी, 2 खरीदा, एक यहाँ, तो टोटल कितना खरीदा, 2 खरीदा सर जी, और समूचे नींबू को 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, तो कितना यूनिट खरीदा सर जी, 2 यूनिट खरीदा सर जी, एक 2 यूनिट टोटल जोड़ देंगे सर जी, सीपी का हो गया रेशियो सर जी, एसपी हो गया सर जी, चलेंगे। अब 30 रुपए का घाटा होता है ना, तो घाटा कब होगा सर जी, घाटा का मतलब हानि सर जी, तो सर जी सीपी माइनस एसपी होगा तब जाके क्या होगा, हानि होगा, यानी क्रय मूल्य माइनस एस विक्रय मूल्य तब क्या बनेगा, हानि बनेगा यानी घाटा बनेगा, तो इसको घटाना होगा, तो रेशियो आगे निकाल लेते, 1/5 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2×4/9 सर जी घटा लेंगे, सीपी माइनस एसपी होगा तब जाके घाटा होगा हानि होगा, हानि कितना का हो रहा है सर जी, 30 का हो रहा है सर जी, हानि बराबर हानि, सीपी माइनस एसपी किए तो क्या हो गया, हानि यानी घाटा हो गया सर जी, तो देखेंगे लोग एलसीएम लेंगे तो 5×20 तो 4 + 4 = 20 माइनस 4/9 तो 9/20 माइनस 4/9 तो सर जी बराबर कितना जी 30 बराबर कितना लो 30 तो 20 9 का एलसीएम भी ले सकते हैं 20 9 का एलसीएम कितना बाबू लो 180 तो 20 नवा 80 से 9 बार में 81 माइनस 9 से 20 बार में सर तो 20 का 80 बराबर कितना लो 30 81 में से 80 गया 1/180 ठीक है ना 20 नौ का एलसीएम अरे डायरेक्ट हम गुणा कर देना जी ठीक तो है अच्छा देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है 81/80 81 - 80 = 180 4/9 ठीक है बराबर कितना जी 30 यानी 1 मिनट का मान देखना सर जी 18 + 54 18 + 54 में 2 0 से हो जाएगा 5400 एक मिनट का मान 5400 तो टोटल वस्तु कितना खरीदा था सर जी हम टोटल कितना मिनट खरीदे 1 मिनट यहाँ 1 मिनट यहाँ तो टोटल 2 मिनट खरीदे हैं एक का मान 5400 तो 2 का मान कितना हो जाएगा सर जी 54 × 108 = 00 सर यानी 10800 खरीदे सर जी यानी ऑप्शन नंबर सी सर जी ऑप्शन नंबर सी 75 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि देखिए कितना आसान है कुछ है ये नहीं है जी क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है लेकिन देखिए तो सॉल्यूशन कितना आसान जा रहा है बनाने का और तरीका है आर्टिकल को इक्वल करके बनाते हैं हम लोग है आर्टिकल को इक्वल करके बनाते हैं वो भी तरीका है लेकिन सर जी हम एक तरीका को लेकर चल रहे हैं कि आपके माइंड में कोई प्रेशर ना पड़े इस वजह से हम एक तरीका को ही लेके चल रहे हैं सर जी नहीं तो बनाने का तरीका 2-3 तरीका और से बताया जा सकता है लेकिन समय को किल नहीं करना है समय को किल नहीं करना है एक तरीका जाने बेहतर जाने निकल गया हम लोग एग्जाम पास करना है एग्जाम पास करने के लिए किसी एक तरीका पे ही जरूरत है जो आसान हो यानी 75 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर जो 75 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 76 नंबर भी उसी प्रकार का है 76 नंबर भी उसी प्रकार का है क्या कहता है क्वेश्चन इसको भी देख लेंगे एक आदमी कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 की दर से तथा उससे दुगना मान लेते हैं यहां 1 खरीदा है तो तथा उससे दुगना वस्तु 1 रुपए में 3 की दर से खरीदा उससे दुगना 1 यहां खरीदा तो यहां कितना खरीदा होगा 2 यूनिट खरीदा होगा तो टोटल सर जी सीपी हो गया ये लोग और सर जी वह सबको 1 रुपए में 4 की दर से बेचा 1 रुपए में 4 की दर से बेचा तो कितना बेचा सर जी वस्तु कितना 2/3 सर जी एसपी हो गया सर जी ये रेशियो बना लीजिए यदि उसको कितना जी 45 रुपए की हानि होती है तो क्या पूछा है क्या पूछा तो टोटल वस्तु में पूछा होगा आगे क्वेश्चन नहीं मेंशन किया गया है तो समझेंगे कि आगे मतलब वस्तु में पूछा होगा चलिएगा सर जी देखेंगे तो 1/2
प्लस दो बटा तीन, अनुपात कितना जी 3/4, यानी सर जी सीपी है एसपी है तो सीपी माइनस एसपी जो होगा सर जी हानि होगा, सीपी माइनस एसपी क्या होगा सर जी हानि होगा, सीपी माइनस एसपी क्या होगा सर जी हानि होगा सर जी, तो माइनस कर दिए इतना में से इतना घटा दिए सर जी, तो कितना आया था बोलो एक्चुअल में कितना घट के आएगा सर जी 45 रुपए की हानि हुआ था, कितना जी 45 रुपए की हानि हुआ था, कर लेंगे लोग 1/2 प्लस 2/3 का एलसीएम, यानी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना जी 6, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6, तो 2 दिया 6, 3 दुना 6, तो 2 दुना जी 4, 3 दुना 6, तो 2 दुना 4 माइनस 3/4 बराबर 45, अब देखिए 4 3 7 बटा कितना जी 6 माइनस 3 बटा कितना जी 4 बराबर 45 कर लीजिए, मैंने 6 और 4 कैल्सियम बाबू लोग 12, तो 6 दुना 12 7 दुना 14 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 माइनस 45 यानी 14 में से 9 गया जी 9 5 14 यानी 5 बाबू लोग बटा 12 ठीक है ना, 6 4 कैल्सियम 12 तो 45 यानी 5 से कितना बार में 5 नवा 45 एक मिनट का मान बर्नवा 108 एक मिनट का मान 108 है, तो टोटल वस्तु कितना खरीदा था, आगे जो वस्तु पूछा हुआ कुल कितना वस्तु खरीदा गया था यहां मेंशन लिख दिया गया है, समझेंगे हम लोग, तो कुल वस्तु कितना सर जी 2/3 वस्तु खरीदा गया है, एक का मान 108 है, 3 का मान कितना जी 3 गुना हो जाएगा लोग 38 की 24 324 वस्तु खरीदा था सर जी, यानी ऑप्शन नंबर बी सर जी, ऑप्शन नंबर बी यानी 76 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर जी, ठीक है आज 76 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं, आज का जो सेशन है यहीं पे एंड करते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, आप सभी को धन्यवाद जी, पुनः नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, चलिए सभी को धन्यवाद।